कुलुसिया का चौथा अध्याय, दूसरा तीसरा डिवोट चौथा वचन। योरसेल्फ टू प्रेयर कीपिंग अलर्ट इन इट विद एन एटीट्यूड ऑफ थैंक्सगिविंग प्रेइंग एट द सेम टाइम फॉर अस एज वेल दैट गॉड मे ओपन अप टू अस अ डोर फॉर द वर्ल्ड सो दैट वी मे स्पीक फॉर द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट फॉर व्हिच आई हैव आल्सो बीन इम्प्रिजन्ड In order that I may make it clear in the way I ought to speak. प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और ऐसा और उसे प्रकट और उसे ऐसा प्रकट करूँ कि मुझे करना उचित है। Apostle Paul is telling all of us that we have to be devoted to prayer. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस हमसे कह रहे हैं कि हमको जो है प्रार्थना में लगे रहना है। So what does it mean to be devoted? और प्रार्थना में जो हमेशा लगे रहने का मतलब क्या है? So that we are thinking about some problem, some burden God gives us, and we think about it and commit it to God, and it is always on our heart. और इसका मतलब ये है कि कोई जो समस्या है या कोई बात है जिसके बारे में हम सोचते हैं और वो प्रभु को हमेशा हम समर्पित करें। Suppose somebody in your close family is got a serious illness and admitted in the hospital. मान लीजिए कि कोई आपका करीबी रिश्तेदार है और उसको बहुत वो बीमार हो गया है और वो अस्पताल में है। And he's quite serious. और वो बहुत गंभीर है। Then we will always be thinking about that person. The relatives who are immediately concerned will mourning him throughout the day. I hope he's better now. And always thinking about that person and wanting to him to get better. और फिर ऐसा होगा कि हम उसके बारे में दिन भर सोचते रहेंगे, उसके रिश्तेदारों के बारे में कि वो और थोड़ा दिन पर दिन ठीक होता जाए। We won't just make a prayer only in the morning and evening, but throughout it'll be in our mind. और सिर्फ हम सुबह या शाम उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, पर हमेशा वो हमारे दिमाग में बना रहे। So that is the meaning of devotion to prayer. और इसी का मतलब होता है कि प्रार्थना में लगे रहो। And we get the devotion when we get close to the Lord and God tells us what is the problem in our life, in our family life, in the church, in the nation. और जब इस प्रार्थना में लगे रहने का मतलब यही है, जब हम प्रभु के पास में होते हैं तो प्रभु हमें बताते हैं समस्याओं के बारे में जो हमारे खुद के जीवन में भी है और कलीसिया में है और हमारे परिवार के जीवन में है और इस देश में। That is why prayer is a very important thing. और इसीलिए प्रार्थना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। And we many times we neglect it because we get busy in doing so many other things. और कई बार हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम दूसरी चीजों में लगे रहते हैं। But while we are busy doing all these things, we can still pray. और जब हम इन सब कामों में व्यस्त होते हैं तब भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। Because in Thessalonians 1 Thessalonians chapter 5 we know that verse we have read many times. Sorry. It says, pray, rejoice always and pray without ceasing. और पहला तसलोनिकियों क्यों 16:17 पहला पांचवा अध्याय 16 और 17 वचन, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। Because we can rejoice in the Lord because God is in control. And he has told us to talk to him. We can talk to the Lord at any time. और हम प्रभु में सदा आनंदित रह सकते हैं क्योंकि प्रभु जो है हर बात के नियंत्रण में है और हम प्रभु को हर बात हर समय कह सकते हैं। We are the children of God because we are born again and God has given us the Holy Spirit. हम प्रभु के संतान हैं क्योंकि हमने नया जन्म पाया है और प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। And God himself has said that we should pray without ceasing. और प्रभु ने खुद कहा है कि हमें बिना रुके प्रार्थना करनी। What does it mean to be pray without ceasing? और इसका मतलब क्या है कि हमें बिना रुके प्रार्थना करनी है? All the time we are on the alert. और हमेशा हमें सतर्क रहना है। And we are thinking about the problem and we have concerned. There's a big concern in our heart. और जब हम किसी भी समस्या के बारे में सोचते हैं तो उसके बारे में एक चिंता हमें होनी चाहिए। So we are in touch with God. तो हम प्रभु से हमेशा संपर्क में रहते हैं। God is also in touch with us. और प्रभु भी हमेशा हमारे संपर्क में रहते हैं।
just like the police, there is a police communication always with the police, the headquarters. They're always on the radio, always, all the radio is always on. और जो एक पुलिस की तरह हो ये रहता है, जैसे कि वो हेडक्वार्टर से हमेशा संपर्क में रहते हैं, उनका जो टेलीफोन रेडियो जो होता है वो हमेशा ऑन रहता है, The phone is always on. जो फोन होता है वो हमेशा ऑन होता है. So we should not disconnect our phone with God. और परमेश्वर से जो है हमारा जो संपर्क है वो हमें तोड़ना नहीं चाहिए. The Holy Spirit will always speak to us and we can speak to the Lord. हमेशा पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं और हम भी परमेश्वर से बात कर सकते हैं. That is the meaning of having fellowship and devotion to the Lord. और इसी का मतलब होता है कि परमेश्वर के प्रति भक्ति और संगति का. And this will get better and better as we walk closer and closer to the Lord. और ये बहुत ही अच्छा होता जाएगा हमारे जीवन में जैसे जैसे हम प्रभु के करीब होते जाएं. As we obey the Lord more and more, it will become very sweet to listen to the voice of the Lord. The Lord will speak to us very, very often and concerning our personal lives, our family lives, the church and the nation. So many things he speaks to us. और जैसे जैसे हम प्रभु के करीब जाएंगे, प्रभु हमसे बात करेंगे हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में, परिवार के बारे में, हमारी कलीसिया के बारे में, हमारे देश के बारे में. If we don't have a devotion to the Lord, if we don't love the Lord, then God will not speak anything to us. अगर प्रभु के प्रति हमारी कोई भक्ति नहीं होगी तो प्रभु हम कोई प्रेम नहीं रखेंगे प्रभु से, तो प्रभु हमसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे. If you're only doing, wanting to do something to please the Lord with some tradition, something morning, evening we pray and finish up and then busy with our work, then God doesn't speak to such people. और अगर हम एक रीति रिवाज की तरह करेंगे कि सुबह प्रार्थना किया, शाम को प्रार्थना किया, तो प्रभु फिर हमसे बात नहीं करेंगे. Devotion means like a husband has a devotion to his wife and a wife to the husband. और भक्ति का मतलब है जैसे एक पति और पत्नी का एक दूसरे के प्रति जो भक्ति होती है वो. And many times the husband and wife can communicate with each other without even words. They know what the problem is and how to communicate with each other. और एक पति और पत्नी जो होते हैं कई बार वो बिना शब्दों के एक दूसरे से बात कर लेते हैं, उन्हें पता है कि क्या बात है एक दूसरे के मन में. We have to be always alert, it says in Colossians chapter 3. कुलूसियों के तीसरे अध्याय में कहा है कि हमें हमेशा सतर्क रहना है. It says we have to keep alert in prayer. और यहाँ पे लिखा है कि प्रार्थना में हमेशा हमें सचेत रहना. With an attitude of thanksgiving. और धन्यवाद के साथ. So always when we are praying, we should all give thanks. जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमेशा हमें धन्यवाद देना है प्रभु का. Thank you, Lord, for the situation. Thank you, Lord, that you're going to hear my prayer. और प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परिस्थितियों के लिए कि आप मेरी प्रार्थना भी सुनते हैं, उस बात के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ. Thank you, Lord, that all power belongs to you. सारा जो परमेश्वर जो सारा शक्ति है वो आपका है. Thank you for that. धन्यवाद उसके लिए. Thank you, Lord, that you've given me the Holy Spirit. परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया. Thank you, Lord, for forgiving all my sins. परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया. Thank you, Lord, that you love me and want to help me. You are going to give me victory over all sin. प्रभु आपका धन्यवाद कि आप मेरी मदद करते हैं और सारे पापों के ऊपर आप जल्दी मुझे जय देने वाले. Thank you, Lord, that you're going to give me victory over my irritation and anger. प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे सारी मेरी चिढ़ के ऊपर और सारी मेरी गुस्से के ऊपर जय देने वाले. Thank you, Lord, that you're going to give me victory over my overeating and laziness. प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि ज्यादा खाने के ऊपर और जो मेरा आलसीपन है उसके ऊपर आप मुझे जय देंगे. Thank you, Lord, that you're going to give victory over all my love for money and earthly things. प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि सांसारिक वस्तुओं के प्रति और पैसों के प्रेम के प्रति आप मुझे जय देंगे. Praise God that God will speak to us and we can give thanks to God for every small problem in our life and for everything we can commit it to God. प्रभु का धन्यवाद करें कि वो हर बात हमारे हम हमेशा परमेश्वर से बात कर सकते हैं और प्रभु जो है हमारी हर एक बात को सुनते हैं. We should have an attitude of thanksgiving. हमारा एक मनोवृत्ति होना चाहिए कि हम हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करें. Because God has done so much for us and we can really thank God and then all the more we keep on having thanksgiving and praise to God. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं और भी ज्यादा. And then we will be praising God and God will we can pray in the spirit and thank God in the spirit. और फिर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और आत्मा में प्रभु से प्रार्थना करेंगे और उनकी आराधना करेंगे.
God will give us the can give us the gift of tongues to pray to God and to thank God and to praise God. और परमेश्वर हमें अन्य भाषा का वरदान देंगे ताकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, उनकी स्तुति कर सके, उनका धन्यवाद कर सके. And when we pray, God will hear our prayers. और जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें सुनेंगे. When we pray in the spirit, we are praying according to the will of God. जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं. And God wants all men to be saved. और परमेश्वर चाहते हैं कि सब लोग बचाए जाएं. And whatever burden God keeps in our heart, we say we pray to God and thank God that God is hearing heard our prayer. और जो कुछ भी बोझ परमेश्वर ने हमारे मन में दिया है, हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें सुनते हैं. So when we enter into the spirit of prayer, we'll have thanksgiving and praise. और जब हम प्रार्थना के आत्मा में जाते हैं तो हमें प्रार्थना करनी है और धन्यवाद देना है. And then everything, as it says in Philippians chapter 4, फिलिपियों के चौथे अध्याय में verse 6, छठा वचन, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication and thanksgiving let your request be made known to God. फिलिपियों का चौथा अध्याय छठा वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं. So whatever is your burden, whatever is your anxiety, whatever is your problem, commit it to God and just thanksgiving. Say, thank you, Lord, for this particular problem. I commit it to your hands, Lord, all my weaknesses, all my concerns, my care. And then they say, thank you, Lord, you are going to take care of it. And then God's peace will come into our life. और जो कुछ भी चिंता हो, परेशानी हो, कोई भी बात हमारे जीवन में हो, हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास ले जा सकते हैं, हम धन्यवाद के साथ उनके सामने रख सकते हैं और प्रभु हमें सुनेंगे. He says that verse 7, that the peace of God which surpasses all comprehension shall guard your hearts and minds in Christ Jesus. सातवां वचन, तो परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी. So that the Lord will say that we tell the Lord, Lord, let your will be done in this situation. I don't want my will to be done, but your will be done. हम प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु की इस परिस्थिति में आपकी इच्छा पूरी हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी इच्छा पूरी हो, परंतु आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए. और जब हम इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की शांति हमारे अंदर आएगी. All our tension will go away. और सारी जो चिंता है वो चली जाएगी. और फिर हमारे जीवन में शांति होगी, हम जानते हैं कि प्रभु इस बात में कुछ करेंगे. He cares for me. वो मेरा ध्यान रखते हैं. He will definitely do something very good for me. वो जरूर मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे. So with that attitude, when we start praying, then we can pray for others also. और जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं. It says in Colossians chapter 4, कुलुसियों के चौथे अध्याय में, praying at the same time for us as well, that God may open to us the door for the word, so that we may speak forth the word mystery of Christ for which I have been imprisoned. And verse 3 and 4 also, in order that I may be clear in the way I ought to speak. तीसरा और चौथा वचन, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है. So the Apostle Paul was in prison, but he asked the Colossian Christians to pray for him so that he can speak the word of God according to be led by the Spirit and to according to the way the Spirit wants to speak to him, to speak to others. और जो प्रेरित पौलुस थे वो कैद में थे, परंतु वो बोलते थे कुलुसियों से प्रार्थना करने के लिए कि वो परमेश्वर के वचन जो है उसको बांटने के लिए उनके उनके द्वार खुल गए. Yes, so then we also can pray in our life. God wants you and me to also share the gospel. और परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं भी जो हैं वो सुसमाचार फैलाएं. So to the people whom we meet, God will tell them, to the ordinary people we meet day by day, He will lead us by His Spirit. We must ask God, tell me what to speak, how to speak, give me wisdom. और प्रभु जो है हमारी हमारी सहायता करेंगे, जिन लोगों से हम दिन प्रतिदिन मिलते हैं उनसे हमें क्या बात करनी है, क्या बोलना है प्रभु हमें बताएंगे.
And some people have got a ministry of preaching the word of God, so we can pray for people who are our elders and leaders, that they can speak the word of God, that can encourage others. और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये सेवकाई मिली है परमेश्वर का वचन बांटने की, तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि वो जो है परमेश्वर के वचन को फैला सकते All of us have got a responsibility of spreading the word of God. और हर हर एक का जो है जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के वचन को बांटें। To the people who are in our circle, whom we meet, instead of gossiping about all earthly things, let us talk about the Lord and God's love and God's goodness over our life. और इधर उधर की बातें करने के बजाय जो लोग हमसे रोज मिलते हैं, हम उनसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में बात कर सकते हैं। So that the Holy Spirit can make it very clear to everybody. और जो पवित्र आत्मा है इसको बहुत ही साफ रीति से सबको बताएगा। So this ability to speak the word of God can be given only by the Holy Spirit. और जो परमेश्वर के वचन की जो हम बात करते हैं तो वो योग्यता सिर्फ पवित्र आत्मा में दे सकता है। So that is why when we pray, God will give lead us and guide us to speak the right word and to the right person. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें अगुवाई करेंगे कि हम सही शब्दों को बोले और सही व्यक्ति से बोले। So my dear brothers and sisters, let us pray to God for our own personal lives, for our personal needs, for our family members, for the church, for our nation, for so many other problems that come into our life. और भाई और बहनों अब हम प्रार्थना करेंगे हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, हमारे देश के लिए और हमारी जीवन की समस्याओं के लिए। The problems in our life are come so that we can pray and draw closer to God. और परेशानियां हमारे जीवन में आती है ताकि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के करीब जा सकें। So that is why God has allowed problems to come in our lives so we draw near to God in prayer. और परमेश्वर अनुमति देते हैं हमारे जीवन में समस्या आने के लिए ताकि परमेश्वर के करीब हम जाएं। Rich people do not pray at all. और जो अमीर व्यक्ति होता है वो बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करते। Even people who are rich believers, they just make outer prayer and all the traditions just for show. और जो धनवान विश्वासी होते हैं वो क्या करते हैं कि आप दिखाने के लिए सिर्फ प्रार्थना करते हैं बाहरी रूप से। But God wants our prayer from our heart. पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम हृदय से प्रार्थना करें। From the spirit. आत्मा से। And even if there are not many words, that is okay because God, even without words also the prayer can be done very well. और अगर हमारे पास बहुत सारे शब्द नहीं है बोलने के लिए तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि बिना शब्दों की भी प्रार्थना की जा सकती है। So let us pray from my heart to the Lord and the Lord will hear. तो प्रार्थना हम करेंगे हमारे दिल से और परमेश्वर हमें सुनेंगे। He is our heavenly Father and we can pray to him and come with a pure and a sincere heart with a clear conscience before God. और वो हमारे स्वर्गीय पिता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, परमेश्वर के पास साफ हृदय से और विवेक से आए हैं। So dear brothers and sisters, it is such a privilege to come to God in prayer. और ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है भाई और बहनों कि हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं अपनी हमारी प्रार्थनाओं को लेकर। God has given everybody one gift and that gift is the gift of prayer. और परमेश्वर ने हर एक जन को एक ये वरदान दिया है कि वो प्रार्थना कर सके। We can, nobody can prevent us from praying. कोई भी हमें रोक नहीं सकता प्रार्थना करने के लिए। People can prevent you from preaching. लोग आपको रोक सकते हैं प्रचार करने से। Or singing. गाने से। Or doing some other work. और कुछ और भी काम करने से। Or traveling here and there. कहीं इधर उधर घूमने से। But God, nobody can prevent you from praying to God and thanking God. और कोई भी आपको रोक नहीं सकता प्रार्थना करने से और धन्यवाद देने। So God has given this gift to each one of us. और परमेश्वर ने वरदान हम में से हर एक जन को दिया है। So if we use this gift well, we draw very close to God. अगर हम इस वरदान का बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे तो हम परमेश्वर के बहुत करीब हो जाएंगे। That is what Jesus told of Mary. She said Mary has chosen the good part, that is to be listen to the word of God, listen to be in prayer in the presence of the Lord. इसलिए यीशु मसीह ने मरियम को कहा था कि उसने एक अच्छा भाग चुन लिया है परमेश्वर के चरणों पर बैठ के उसको सुनना और प्रार्थना करना। It's better to pray than to go and do some work. इससे कुछ और काम करने से अच्छा प्रार्थना करना है। And then the Lord will tell you what to do. और फिर प्रभु आपको बताएंगे कि क्या करना है। And everything we can pray that the will of God will be done. और हर बात में हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। We don't want our will to be done, but that God's will be done.
हम नहीं चाहते कि हमारी इच्छा पूरी हो, परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। And this is the will of God that you can be free from sin and have fellowship with God. और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम पाप से मुक्त हो जाएं और परमेश्वर के साथ हमारी संगति हो। So dear sisters and brothers, let us pray. तो बहनों और भाइयों, हम प्रार्थना करें। We can pray for each one of us, our personal lives, that we be filled with the Holy Spirit. और हम हर एक जन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए कि हम पवित्र आत्मा से भरे जाएं। Most important gift that we should pray for every day that we should be controlled by the Holy Spirit and be filled with the Holy Spirit. और ये बहुत ही एक बड़ा वरदान है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रण में हों और पवित्र आत्मा से भरे जाएं। And we can pray for our church family and for our family in the home, our relatives, and also for the nation. हमारे घर के लिए, हमारी कलीसिया के परिवार के लिए और हमारे देश के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। We can pray for the work of the gospel. हम सुसमाचार के काम के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। And we can pray for our needs for our brothers and sisters in Christ. और हम हमारी खुद की जरूरतों के लिए और हमारे मसीह भाई बहनों की जरूरतों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। For all their physical needs, for their sicknesses, for their financial problems, for their jobs, all of this we can pray. और किसी बीमारी के लिए और नौकरी के लिए और जितनी भी हमारी शारीरिक जरूरत है उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। So God will hear our prayers. और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा।